तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लोज रेंज के बारे में, ज्यादा से ज्यादा क्लोज रेंज फाइट्स तुम कैसे विन कर सकते हो। एंड जितने भी बिगिनर्स इस वीडियो को देख रहे हैं ना, जिन्होंने अभी रिसेंटली थोड़े टाइम पहले गेम को इंस्टॉल किया है, तो उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा मस्त होने वाली है। तो शुरू करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब गाइस क्लोज रेंज की अगर बात कर रहे हैं तो सबसे जो पहली स्टेप आती है जो हमें इम्प्रूव करनी है वो रहने वाली है हमारी क्रॉस एयर प्लेसमेंट। अब देखो गाइस, मैं खुद भी हमेशा से कोई प्रो नहीं था, मैं भी है ना पहले एक बिगिनर हुआ करता था, मेरी भी क्लोज रेंज इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, मैं भी हगा करता था क्लोज रेंज में। तब मुझे पता चला कि क्रॉस एयर प्लेसमेंट का कितना ज़्यादा बड़ा रोल होता है किसी भी क्लोज रेंज फाइट में। तो यहाँ पे एग्जांपल देखो, अब यहाँ पे जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ ना, हमारा जो एम है, जो हमारी क्रॉस एयर है, जो चार डॉट दिख रहे हैं ना बीच में, ये सिर्फ और सिर्फ वहीं पे एकदम पिन करके रखना चाहिए। लेकिन हम करते क्या है कि हमारी जो क्रॉस एयर है वो हम नीचे कर लेते हैं और जैसे ही एनिमी हमें दिखता है तो हम फायर लेते हैं। तो गाइस ये जो टाइम तुम्हारा जा रहा है ना बीच में, इस टाइम पे तुम्हें जो अच्छा एनिमी होगा ना सामने, वो फट से तुम्हें नॉक कर देगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पे होना क्या चाहिए ना कि तुम्हारा जो एम है वो तुम पहले से वहीं पे रखो जहाँ पे तुम्हें लगता है कि बंदा भी निकलने वाला है। और ये जो चीज़ है ना गाइस, इतनी ज़्यादा क्रेजी काम आती है ना, जैसे ही बंदा निकलेगा बस तुम्हें फायर का बटन दबाना है एंड हेड पे हेड कनेक्ट कर पाओगे तुम उस बंदे के। अब यहाँ पे एक क्लासिक एग्जांपल देखो, यहाँ पे मुझे पता था सामने बंदा है, तो मेरी क्रॉसर देखो मैंने एक भी बार नीचे नहीं करी, हमेशा मेरी क्रॉसर हवा में थी जहाँ पे बंदे का हेड हो सकता था एंड मैंने आराम से प्री फायर मार के बंदे को नॉक कर दिया वहाँ पे। तो ये चीज़ तुम्हें हमेशा ध्यान रखनी है जब भी तुम किसी क्लोज इन फाइट में हो या फिर तुम कभी रश कर रहे हो किसी बंदे पे। तो अब बेसिक चीज़ के बारे में हमने बात कर ली, जो हमारी क्रॉसर प्लेसमेंट है वो हमने अच्छी कर ली, लेकिन अब प्रॉब्लम आती है कि हमें फाइट किस एंगल से लेनी है, कैसे हमें जो क्लोज रेंज फाइट है वो हमारे फेवर में बनाना है। तो गाइस ये है ना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज रहता है, एंड अगर ये तुमने सीख लिया ना तो तुम्हारा जो आधा क्लोज रेंज का गेम है ना वो वहीं से इंप्रूव होने लग जाएगा। तो सबसे पहले एक ट्रेनिंग ग्राउंड में तुम्हें दिखाता हूँ कि हम गलती क्या करते हैं। तो सबसे पहले गाइस जिन लोगों को नहीं पता है मैं बता देता हूँ कि जो BGMI है, जो PUBG मोबाइल है, इसमें जो राइट साइड की फाइट्स है ना वो हमें सबसे ज़्यादा लेनी चाहिए, क्योंकि ये गेम ही पूरा राइट साइड पे बेस्ड है। तो यहाँ पे राइट साइड की ऐसे वाली जो फाइट्स होती है ना, ये अगर तुम लोगे तो तुम्हारे जो विन करने के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा रहेंगे, और वहाँ पे जो एनिमी तुम्हारा है वो लेफ्ट साइड से खेल रहा होगा, उसके जो चांसेस है ना जीतने के वो बहुत ज़्यादा कम रहेंगे। हाँ, हो सकता है उसका एम बहुत ही ज़्यादा क्रेजी हो, तब 1% चांस है कि वो जीत जाए, लेकिन ज़्यादातर अगर तुम्हारी स्किल्स अच्छी है ना तो तुम ये फाइट्स में विन कर सकते हो पूरा इजीली। एंड गाइस अभी तुम एक सिंपल सा फंडा में समझाओ ना, तो राइट साइड की जो फाइट्स है जैसा कि तुम अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, तो इस तरह की फाइट्स में ना तुम अग्रेसिव होकर खेल सकते हो, लाइक तुम बंदे को डरा सकते हो, मस्त थोड़ा आगे जाके फाइट ले सकते हो। लेकिन जब बात आती है लेफ्ट साइड की फाइट्स की, जहाँ पे एनिमी तुम पे रश कर रहा है, उसके पास राइट साइड का एडवांटेज है, तो तुम्हें क्या करना होता है वो असली चैलेंज आता है, क्योंकि लेफ्ट साइड की फाइट्स लेना है ना क्लोज रेंज में बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। तो गाइस जो तुमने राइट साइड पे किया था ना, राइट साइड पे तुम अग्रेसिव करके खेल रहे थे, यहाँ पे तुम्हें होल्ड करके खेलना है। एग्जांपल तुम अपनी स्क्रीन पे देखो, यहाँ पे मैंने होल्ड किया, एनिमी को आने देना है तुम्हें, जब तक तुम्हारी स्क्रीन पे एनिमी नहीं दिख रहा है ना तुम्हें जाना ही नहीं है बाहर। क्योंकि गाइस लेफ्ट साइड की जो फाइट्स होती है ना उनमें यही प्रॉब्लम होती है कि तुम्हें एनिमी को देखने से पहले तुम्हारी जो बॉडी है वो एनिमी को दिख चुकी होगी, तो वो पहले तुम पे एम करके फाइट वगैरह तुमसे ले सकता है, तुम्हें मार सकता है आसानी से, और राइट साइड में ऐसा नहीं होता, इसलिए राइट साइड की फाइट्स ईजी होती है। तो ऐसे करके तुम जो होल्ड करके गेम है ना वो अपना इंप्रूव कर सकते हो, लेफ्ट साइड की फाइट्स भी तुम क्लोज रेंज में विन कर सकते हो। तो चलो गाइस थोड़ा सा वेपन सिलेक्शन के बारे में भी बात कर लेते हैं कि तुम्हारे लिए कौन सा वेपन बेस्ट रहने वाला है अगर तुम एक बिगिनर हो एंड तुम्हें अपनी जो क्लोज रेंज है ना वो बढ़िया करनी है। अब इसके लिए हमें जानना होगा कि गाइस एक बिगिनर की प्रॉब्लम्स क्या क्या होती है, वो अच्छी गन्स को जो है यूज क्यों नहीं कर पाता है, ज्यादातर गन्स को यूज क्यों नहीं कर पाता है। मेरे हिसाब से गाइस बिगिनर्स को सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम आती है ना वो आती है एमिंग करने में, और अगर तुम AKM जैसी गन्स यूज कर रहे हो तो मैं सबको पता होगा जो AKM गन है वो क्लोज रेंज में कितनी ज्यादा बढ़िया है, लेकिन ज्यादातर लोग उसे यूज क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि वो इतनी ज्यादा स्टेबल नहीं है, उसको चलाने में ना थोड़ा सा जो है स्किल होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा शेक करती है। जबकि तुम डैमेज देखोगे ना गाइस AKM जैसी गन्स का, तो वो भाई ग्रोजा से भी ज्यादा है। सोचो जो गन ड्रॉप में आती है उससे ज्यादा डैमेज की गन तुम्हें दे रखी है एंड फिर भी तुम उसे यूज नहीं कर रहे हो। तो यही रीजन है कि बिगिनर्स के लिए AKM जैसी गन्स को यूज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब ऐसे में तुम्हारे लिए जो गन्स होती है ना वो रहती है SMG गन्स। अब गाइस ऐसा मत मानना कि सब सिर्फ जो नूब लोग होते हैं, जो बिगिनर्स होते हैं, वही जो SMGs यूज करते हैं। पर्सनली तुम ये पूरा वीडियो देख रहे हो ना, तो मैं भी है ना यही गन्स यूज करता हूँ ज्यादातर। अब इन गन्स को यूज करने के पीछे मेरे दो कारण होते हैं, बट उससे पहले तुम्हें जो है गन्स बता देता हूँ मैं कौन सी गन्स हम जो है यूज कर सकते हैं। तो सबसे जो पहली प्रेफरेंस होती है ना मेरी, वो UMP को जाती है, क्योंकि UMP अगर इसकी हम बात कर रहे हैं ना गाइस, तो तुम सभी को पता होगा ये गन कितनी ज़्यादा जो है ना OP गन है। जैसा मैंने तुम्हें बताया कि बिगिनर्स को प्रॉब्लम आती है इनको स्टेबल रखने में, तो यहाँ पे देखो
भाई इतनी दूर तक मैंने स्कोप तक नहीं खोला है, सिर्फ और सिर्फ जो है ना हिप फायर मार के मैंने बंदे को नॉक किया एंड सारी की सारी जो बुलेट्स है ना वो एनिमी को कनेक्ट हो भी गई। तो इसीलिए गई जो SMG गन्स है ना वो ज़्यादा प्रेफर करता हूँ मैं, क्योंकि इनका जो बुलेट स्प्रेड है वो बहुत ही ज़्यादा कम रहता है एंड जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा हाई रहती है। तो ऐसे में जो ज़्यादातर गोलियाँ है ना तुम्हारी एनिमी को चिपकते जाती है बस, अगर तुम स्कोप भी नहीं खोल रहे हो ना और दूर तक भी तुम हिप फायर मार रहे हो तो भी तुम्हारी जो बुलेट्स है ना वो मस्त कनेक्ट होने वाली है एनिमी को। वैसे भी जो बुलेट स्प्रेड वाली चीज है और जो स्टेबिलिटी वाली चीज है ना वो ज्यादातर जो SMGs है ना उनमें सेम होती है। जैसा तुम PP बाइजन ले लो या फिर तुम ले लो थॉम्सन गन को ले लो, तो इनकी भी जो स्टेबिलिटी है जो बुलेट स्प्रेड है वो बहुत बढ़िया रहता है। तो ऐसे में अब जो नेक्स्ट जो प्रेफरेंस आती है ना मेरी वो आती है PP बाइजन को। अब ये जो गन है ना कहीं सेम UMP की तरह तुम मान सकते हो इसे, लेकिन अब यहाँ पे तुम्हें एक एडवांटेज मिल जाता है कि तुम्हारी जो बुलेट्स की कैपेसिटी है ना वो बढ़ चुकी है। तो इनकेस अगर तुम्हारा एम कुछ ज़्यादा ही खराब है, तुम जब भी फायर करते हो तो तुम्हारी ज़्यादातर गोलियाँ वेस्ट हो जाती है, तो ऐसे में ये गन तुम्हारे बहुत काम आने वाली है, क्योंकि तुम्हें कोई एक्सटेंडेड मैग नहीं चाहिए। मस्त तुम जो है गन उठाओ एंड तुम्हारी जो 52 बुलेट्स है वो तैयार रहेंगे, तुम बंदे को आसानी से नॉक कर पाओगे। अगर तुम ज़्यादा गोलियाँ वेस्ट भी करते हो तो भी तुम्हारे पास डिसेंट अमाउंट ऑफ बुलेट्स बच जाएगा जिससे तुम बंदों को नॉक कर सकते हो। एंड देखो लॉल्स गेमिंग को तुम समझानते हो तो वो भाई है ना मतलब वन ऑफ द बेस्ट क्लासिक प्लेयर्स तुम बोल सकते हो अपने इंडिया में उनको। एंड स्टिल जो गन वो यूज़ करते हैं ज़्यादातर वो रहती है UMP जैसी गन्स, PP बाइजन जैसी गन्स। तो जो PP बाइजन जैसी गन्स है ना गाइज उनसे जो क्लच करना है ना वो थोड़ा सा आसान हो जाता है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा बुलेट से यार तुम बंदे को नॉक दो फटाफट से, तुम्हें रिलोड करने की जरूरत नहीं है, तुम नेक्स्ट बंदे पे फोकस करो बिना बुलेट्स की जो है परवाह किए। और यही रीज़न है कि मैं भी है ना इस गन को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ जब भी मैं कोई क्लोज रेंज फाइट ले रहा होता हूँ। तो आज की वीडियो में हमने यही सीखा कि जो हमारी क्रॉसर प्लेसमेंट है वो अच्छी होनी चाहिए, हमारी जो स्टाइल है फाइट लेने की लेफ्ट एंड राइट्स पे वो डिफरेंट होनी चाहिए। राइट में हमें अग्रेसिव खेलना है, लेफ्ट में हमें थोड़ा सा होल्ड करके खेलना है। एंड लास्ट में हमने जाना कि कौन सी जो गन्स है वो बिगिनर्स के लिए क्लोज रेंज में अच्छी हो सकती है। तो आज की वीडियो तुम्हें कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि जब मैं पहले जब ग्रो कर रहा था ना गाइस तो मैं ऐसी वीडियोस बनाता था जहां पे मैं सिर्फ अपने थॉट्स तुम्हें बताता था जो मुझे लगता है, एंड ज़्यादा वहां पे है ना मतलब टेक्निकल हम लोग नहीं जाते थे। तो ऐसा तुम्हें वीडियोस देखना पसंद है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में तुम बता सकते हो। एंड ये वीडियो तुम्हें जेन्युइनली कैसी लगी ये तुम मुझे कमेंट्स में बताना। लाइक तुम कर सकते हो, लाइक बहुत कम हो चुके हैं तो लाइक कर देना गाइस वीडियो को। एंड अभी तुम गेम प्ले इन्जॉय करो, क्योंकि तुम देख रहे हो ना आजकल गेम प्ले थोड़ा सा मस्त होते जा रहा है, तो एंजॉय करो गेम प्ले। एंड अगर अभी तक वीडियो को देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन में येलो कलर के हार्ट स्पैम कर देना ताकि मुझे पता चले कि तुमने वीडियो को अंत तक देखा है, एंड तुम्हारे कमेंट्स को मैं हार्ट दे पाऊँ, उनका रिप्लाई कर पाऊँ, उन्हें लाइक कर पाऊँ। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू गाइस, कीप ग्राइंडिंग। एंड तुम ऐसी और वीडियोस चाहिए क्लोज रेंज वाली सीरीज पे तो मुझे कमेंट्स में वो भी बता सकते हो। बाकी एंजॉय करो यार गेम प्ले। P90 से ज्यादा अच्छा खेलता होगा ये, P90 किसी के पास नहीं होगी हम इस जैसे तभी हरा देगा। हाँ P90 यार इन्होंने P90 तूने गलत बोल दिया राघव, मार दिया। सुनो स्मोक करके रिकॉल कर था बाद में क्लियर करने के बाद। गेम सेंस है भाई, गेम सेंस है। अब अपना YouTube चैनल बताना फिर से। नहीं ओ भाई एक और स्मोक डाल दे भी। So nice. I'm recalling a teammate. इनको लगता है वो करने का नहीं थे। बाप रे
नीचे मरा वहां पे ये रहा ये रहा वाच आउट इसको मार इसको यार ये पता नहीं क्या सॉरी भाई ये तो लेट रखा है भाई फुल कवर है जा आगे की साइड होगा मार्क द लोकेशन ये मैड मैक्स अबे भाई कोई गेमर है अच्छा मैंने ये नहीं बोला अरे बंदे आ गए मुझे ही ढूंढ रहे पता है